पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जनपद के कटघड़ थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रामपुर रोड किनारे बने आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने रिजल्ट को लेकर नंबर कम आने पर स्कूल के अंदर अपने माता पिता के साथ पहुंचकर स्कूल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और स्कूल के गेट पर सभी छात्र छात्राओं ने एकजुट होकर स्कूल स्टाफ और स्कूल के नाम से मुरादाबाद हाय हाय के नारे भी लगाए। छात्रों का कहना है कि स्कूल स्टाफ की वजह से ही हम लोगों के मार्कशीट में नंबर कम आए हैं, जिसमें आज हमने विरोध जताते हुए सरकार और मुरादाबाद प्रशासन से मांग की है कि हमारे मार्कशीट के नंबर चेक किए जाएं और पिछले रिजल्ट के साथ साथ इस साल के रिजल्ट को भी चेक कर लिया जाए, जिसकी लापरवाही पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाए। फेल हो जाने पर सभी छात्र निराश और दुखी दिखाई दिए। स्कूल प्रबंधक और स्टाफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हाय हाय मुरादाबाद के घंटों तक नारे स्कूल के गेट पर लगते रहे। प्रदर्शन कर रहे हैं आप अपने माता पिता के साथ? परसेंटेज बहुत कम बनी है 10th में, बिल्कुल भी, मतलब जिस हिसाब से पढ़ाई की थी उस हिसाब से कोई परसेंटेज नहीं आई है। किसकी लापरवाही मानते हैं? स्कूल की। जिन लोगों के लिए लापरवाही आई है, कोई जिस तरीके की मुरादाबाद प्रशासन से मांग करना चाहूंगी उन लोगों की कार्रवाई को लेकर? हाँ बिल्कुल, हमें स्कूल वालों ने अच्छे नंबर नहीं दिए, 50% से ज्यादा किसी भी बच्चे को नंबर नहीं दिए, ना ही किसी को टॉपर बनाया स्कूल का नाम। और आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल है ये, और इसमें प्री बोर्ड कराए मई में कराए और मार्च की डेट डलवाई सारे बच्चों से, और टेस्ट भी कराए और तब भी अच्छे नंबर नहीं दिए किसी को। किसकी लापरवाही है? स्कूल वालों की। स्कूल वालों ने मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स दिए हैं, जो नर्सरी से और 9th तक आज तक आए ही नहीं हैं, कभी भी उसके इतने कम मार्क्स आए ही नहीं हैं। मैं चैनल वालों को या मोदी सरकार को, योगी सरकार को, अपनी बेटी की नर्सरी से और अब तक की सारी मार्कशीट दिखाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ सरकार नारे लगाती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वहाँ पे मेरी बेटी के साथ ये सब किया है। ऐसी सरकार को सोचना चाहिए बेटियों के लिए। सिर्फ 53% मार्क्स बोले गए हैं जो मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है यहाँ का रिजल्ट, तो उसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सारे, क्योंकि किसी भी CBSE स्कूल में इतना पुअर रिजल्ट नहीं रहा है। ऑब्वियसली स्कूल की लापरवाही है। दे आर गिविंग अ प्रोसेस दैट वी आर फॉलोइंग अ क्राइटेरिया रेफरेंसियर एंड ऑल, बट इट इज अ सिंपल एक्सक्यूज और कुछ नहीं है। दे जस्ट वॉन्टेड दैट उनका, क्योंकि ये स्कूल पुराने नाम से चलता था सूर्यांश के नाम से, अब खरीदा गया आर्यभट्ट के नाम से, दे वॉन्टेड कि उनके बच्चे यहीं स्टक रहें, कम परसेंटेज आएगी तो बच्चा किसी और स्कूल में नहीं जा पाएगा, तो इट्स शेयर बिजनेस, नथिंग एल्स। ऑब्वियसली स्टाफ की मानती हूँ, मैनेजमेंट की मानती हूँ। क्या मांग करना चाहेंगी? जिस तरीके से मुझे ये कंप्लेन है इन लोगों से कि इन्होंने इतने कम मार्क्स एवरेज जो भेजा है, इतना कम क्यों भेजा है? दे शुड चेंज द मार्क्स, दे शुड गिव प्रॉपर मार्क्स टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डिजर्विंग। क्लास 10 के रिजल्ट से बच्चे और पेरेंट्स असंतुष्ट हैं, उसका सिर्फ एकमात्र कारण ये रहा कि विगत में इस स्कूल का जो एवरेज था वो खराब था, और CBSE की जो टेबुलेशन पॉलिसी थी उसमें CBSE ने हमको स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी थी कि आप जो रेफरेंस ईयर, जो कि CBSE ने, और ये रेफरेंस ईयर को मेल भी CBSE ने किया, कि इस रेफरेंस ईयर के एवरेज को आपको हर हालत में मैच करना है, और जो सब स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट है वो परसेंटेज में भी मैच करना चाहिए। तो चूंकि विगत में स्कूल का एवरेज कम था, इसीलिए रिजल्ट का एवरेज कम रहा है। इसके लिए CBSE को भी इस बात का अंदेशा था कि इस टेबुलेशन पॉलिसी से लोग संतुष्ट नहीं होंगे, और ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया चीज़ है। इसलिए CBSE ने, जैसे अभी क्लास 10 का सर्कुलर तो नहीं आया, लेकिन क्लास 12 में उसने बोल दिया, ये सर्कुलर है, कि जो लोग इस टेबुलेशन पॉलिसी से, जो मार्क्स से जो अवॉइड किया गया है उससे संतुष्ट नहीं है, वो फिर से री एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसके लिए उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो एक ऑप्शन पेरेंट्स के या बच्चों के पास है कि जब CBSE एग्ज़ाम लेगा वो एग्ज़ाम देके अपना परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं कि CBSE बोर्ड ने एक तरह से बच्चों को बांध के रखा है अपने ही जो CBSE के स्कूल हैं, कि अगर इतना परसेंट डाउन होगा तो अन्य परसेंट जो वो अन्य बोर्ड हैं वो तो उनके एडमिशन लेंगे नहीं इस परसेंटेज पे, तो क्या इस तरह की कोई ऐसी बोर्ड से? इसीलिए इसी चीज़ को तो दूर करने के लिए CBSE ने कहा कि जो असंतुष्ट है अपने परसेंटेज से वो फिर से रीअपियर कर ले,
एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में या पांच सब्जेक्ट में, जितने सब्जेक्ट में चाहता है वो कर ले। और तो बच्चों के पेरेंट्स पे बहुत गंभीर आरोप स्कूल के ऊपर, यहाँ के जो प्रिंसिपल और स्टाफ हैं उनका साफ तौर पर बच्चों के माता पिता का कहना है कि यहाँ पे स्टाफ की सबसे बड़ी लापरवाही है जो ये बच्चों की मार्च कम। देखिए विगत में क्या हुआ इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विगत का रिजल्ट का ही ये परिणाम है। हाँ, हमने जब से इस स्कूल को टेक ओवर किया तब से हम स्कूल में लगातार सुधार कर रहे हैं, और हमने, हमारा वादा भी है कि हम इसको सुधार कर ले जाएंगे। अच्छा, उन माता पिता को क्या आश्वासन दिया जो बच्चों को, जो सीबीएसई ने हमको आश्वासन दिया है?